हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी, बेसन, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सूखी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, मसाला, हल्दी, जीरा, मेथी, हींग, तेजपत्ता। सबसे पहले हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। मैंने आधी लौकी को कद्दूकस किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा कद्दूकस किए लौकी को लेकर हाथ से उसके पानी को निचोड़ लेंगे। अब कद्दूकस किए लौकी में आधा चम्मच हल्दी, 2 बड़ा चम्मच बेसन, 1/3 नमक डालकर मैश करें। हल्के हल्के हाथों से देखिए मैंने मैश किया है इसको। आपको लगे कि बैटर अभी गीला है तो थोड़ा सा और बेसन ऊपर से ले लें। अब इसे थोड़ा थोड़ा लेकर अंडे के शेप का बनाएं। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर हाई फ्लेम पर गरम करें। तेल अच्छे से गरम हो जाने पर उसमें कोफ्तों को डालकर डीप फ्राई करें। अगर आप लोग को मेरी डिश अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। हम सुनहरा लाल होने तक कोफ्तों को तेल में तलेंगे। उसके बाद प्लेट में निकालें। कोफ्तों को बहुत आराम से आप पलटिए क्योंकि ये कोफ्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखिए हमारे कोफ्ते हल्के सुनहरे होने लगे हैं। थोड़ी देर के लिए और हम इन्हें लाल करेंगे।
ये अब हर तरफ से लाल हो चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डालें। तेल हल्का गर्म होने पर उसमें 2 तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी मेथी और सूखी लाल मिर्च डालें। आपको जितना तीखा पसंद हो आप ले सकते हैं उतना मिर्च। मैं यहाँ पे 3 लाल मिर्च ले रही हूँ, जिन्हें मैंने आधा आधा करके तोड़ लिया है। उसके बाद उसमें कुटी लहसुन डालें और अदरक डालें। थोड़ी देर के लिए चलाएं, उसके बाद उसमें पीसी प्याज के पेस्ट को डालें और अच्छे से भूनें। हमको प्याज को गोल्डन होने तक भूनना है। देखिए प्याज थोड़े थोड़े से गोल्डन होने लगे हैं। प्याज को अच्छे से भुनने के बाद उसमें टमाटर पेस्ट डालें। 2 मिनट चलाने के बाद उसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच मसाला, थोड़ी सी हींग डालकर 1 मिनट के लिए चलाएं। अब उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को पका लेंगे। मैंने यहाँ पे जो लौकी का पानी निकला था वही थोड़ा सा डाला है, क्योंकि वो लौकी का पानी हमें फेंकना नहीं है। हम मसालों को तेल छोड़ने तक पकाएंगे। जब मसाले अच्छे से पक जाएं, तेल छोड़ने लगें, उसके बाद उसमें हम लौकी का पानी डाल देंगे, जो थोड़ा सा बच गया था हमारा लौकी का पानी। 2 ग्लास पानी और डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे और चलाएंगे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे हम ग्रेवी को। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो उसमें कोफ्तों को डालकर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और लौकी के कोफ्तों को एक बर्तन में निकालकर धनिया की पत्ती से गार्निश करें।
इसी तरह और अच्छी अच्छी रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।